हेलो। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। एंड दिस इज अवर क्लास, लूडो क्लास, दैट इज लूसेंट। एंड इसमें हम कवर कर रहे हैं पेज बाय पेज लूसेंट की बुक, जो जीएस की बुक है आपकी। 6 AM अपनी क्लास रहती है, और 6 से लेकर 7, 7:30 जब भी अपना कवर पता है हम कवर करते हैं। अभी अपना चल रहा है लूसेंट में साइंस, एंड द फोकस इज एचसीएस प्रिलिमिनरी। और कैसे प्रोसीड करना है, अपनी बुक लेके बैठिए, मार्क अलोंग द बुक एंड द लेक्चर, एंड अपने नोटबुक में डालते रहो और नोट्स भी बनाते रहो। सारे फैक्ट हम ट्राई करते हैं ट्रिक से जितने हो सकते हैं लर्न करने की। एंड योर पार्टिसिपेशन, यू हैव टू आंसर व्हेन एवर आस्क्ड। दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित, एंड यू कैन चेक द अदर डिटेल्स, एंड यू कैन डाउनलोड द अकेडमी ऐप इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर विद अस। एंड इफ यू न्यू टू अवर चैनल, सब्सक्राइब डॉक्टर अमित अकेडमी। ओके, चलो अब आ जाते हैं मुद्दे पे। एक सेकेंड, ठीक है। कौन कौन आ गया है? दीक्षा, सुमन, रीना, सुमन, गौरव, शशि, शर्मिला एंड विकास। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो जितने लोग आ गए हम अभी स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। देवेश, गुड मॉर्निंग, और उसके बाद अपन इसको मेन अपना काम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो कल अपन ने फिजिक्स में क्या क्या देखा था, देखो। एक तो यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग, डिफाइंड, रिप्रोड्यूस, कंपेयर, एक्सेप्टेड। फिर फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट, तो इसमें सीजीएस सिस्टम, एमकेएस, एफपीएस सिस्टम, ये अपने चेक किया था। एसआई में 7 अपनी मेन थी, इनके एसआई यूनिट आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अपन आ गए थे, और जो दो एक्स्ट्रा यूनिट आई थी अपने पास, एक तो रेडियन और एक स्टेरेडियन। फिर ये लेंथ की, लाइट ईयर, नॉटिकल माइल्स। फिर मास की, क्विंटल, मेट्रिक टन। चंद्रशेखर लिमिट आपको याद रखनी है, 1.4 टाइम्स ऑफ द सन, ये सवाल पूछा जा सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका आता है ट्रॉपिकल ईयर, लीप ईयर, इनके डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। ट्रॉपिकल इज टोटल सोलर एक्लिप्स जिसमें होता है, लीप ईयर जिसमें 366 दिन होते हैं, या फिर 29 डेज आप बोल सकते हो फरवरी के। फिर कुछ प्रीफिक्स और ये इंपॉर्टेंट है अपने, जैसे नैनो, पीको, फेमटो, ये ध्यान रखना है। देन मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और जेटा और योटा, ये थोड़े से और ज्यादा हैं तो ये भी ध्यान रख लेना। डायमेंशंस में अपन एम एल टी की फॉर्म में रखते हैं, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ एंड टी फॉर टाइम। तो वॉल्यूम, डेंसिटी, ये जितनी भी लिखी हुई है इनके फॉर्मूले के हिसाब से आपको लगभग लगभग जितनी याद हो जाए, मैक्सिमम उतनी याद कर लो। एचसीएस में लास्ट ईयर पूछा भी गया था सवाल। उसके बाद अपन ने मोशन, मोशन में स्केलर क्वांटिटी विदाउट डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, तो मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर एंड वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड टॉर्क। अब डिस्प्लेसमेंट और ये स्पीड जो आपकी थी, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। इसमें बहुत सारे अपने फॉर्मूले आए थे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। एस इक्वल्स टू वी इंटू टी, या फिर वी इक्वल्स टू एस अपॉन टी, उसी को इधर ले आए। वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS, ये हो गया। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारे के सारे फॉर्मूले, इनमें से सवाल आने की संभावना रहती है, ठीक है? एचसीएस में तो खासकर। अब ये सी सेट में भी पूछे जा सकते हैं। सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म क्या होता है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेलोसिटी नहीं है, और उसमें लगातार आपका फोर्स भी लगता रहेगा, ठीक है? फिर अपना एंगुलर वेलोसिटी, ये जो एंगल जो बन रहा है उसके हिसाब से कितना इसने ट्रेवल किया, वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। न्यूटन लॉ अपन ने चेक किए थे, फर्स्ट लॉ कि भाई इनर्शिया चलता रहता है, इनर्शिया की वजह से कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मूवमेंट में है तो मूवमेंट में रहेगी, और एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे तभी वो चेंज होगा। देन मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी एक आपकी चीज थी, m1v1, m2v2, उसी हिसाब से वो मूवमेंट होने लग जाती है, ठीक है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स, फोर्स कौन लगाती है, मास, तो फोर्स इक्वल्स टू मा, ma। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बट ध्यान क्या रखना है, ये दोनों को दोनों जो है वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, डिफरेंट पे, ठीक है? जो सेंट्री पिटल और सेंट्रीफ्यूगल, वो एक ही बॉडी पे एक्ट करता है।
फिर इसके एग्जांपल बहुत सारे रिकॉयल ऑफ गन, स्विमिंग और ये सब अपन ने चेक किया था। लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है बाहर से जब तक अपना कोई फोर्स ना लगे। हाँ, इम्पल्स क्या था, थप्पड़ वाला एग्जांपल दिया था, लार्ज फोर्स एकदम से गया, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। फ्रिक्शन स्टैटिक, रुका हुआ है चलने वाला है तो स्टैटिक हो गया। काइनेटिक, मूवमेंट के टाइम पे जितना फ्रिक्शन लग रहा है वो मूवमेंट का हो गया। देन रोलिंग, जब वो रोल कर रहा है तो रोलिंग सबसे कम, देन काइनेटिक, देन स्टैटिक सबसे ज्यादा। सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर और फोर्स इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल जैसे आपने इसको बांध रखा है स्ट्रिंग से पत्थर को, या फिर प्लैनेट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे, ठीक है। देन अपना क्या आ जाता है इसमें, साइक्लिस्ट है तो बैंकिंग ऑफ द रोड, ये एग्जाम्पल आपसे पूछा ही जाएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेंट्रीफ्यूगल इज टू आउटसाइड, ये लगता है सूडो फोर्स होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, जो इसका डिस्टेंस रहता है उस उतना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपना क्या है, जो बॉडी है, बॉडी का वेट जहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ज्यादा, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इक्विलिब्रियम फिर अपने चेक किए थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल या फिर न्यूट्रल, जिस पोजीशन पे है मूव करके वापस पे उसी पे आएंगे तो स्टेबल, और अनस्टेबल मूव है तो मूव ही रहेगा, न्यूट्रल तो चेंज्ड जो पोजीशन है तो चेंज पोजीशन पे ही आप रुक जाओगे। तो यहां है, यहां से यहां गया, फिर यहां आ गया तो स्टेबल, बट मूव ही करता रहा तो अनस्टेबल, बट यहां से यहां आया यहीं रुक गया, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ये अपने हो गए थे वर्क एनर्जी एंड पावर, एफ एस कोस थीटा 90 डिग्री, और स्टैटिक अगर डिस्टेंस, ये अपन ने चेक किया था कि जीरो हो जाएगा। एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ती जाती है, काइनेटिक आपकी कम होती जाती है, तो जीरो हो जाती है लास्ट में। फिर हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, एंड ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, और ये बहुत सारे इक्विपमेंट्स और इनके काम, ये सारे इंपॉर्टेंट है। डायनामो हो गया, चाहे कैंडल, माइक्रोफोन, ये सीधे सीधे सवाल आपके बनेंगे, ठीक है। फिर अपन ने, चलो ये ठीक है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको अपन वॉट में भी करते हैं। 1 हॉर्स पावर अपन ने चेक किया था कि इट इज इक्वल टू 746 वॉट। आज अपन शुरू कर रहे हैं ग्रेविटेशन से, ठीक है। तो और जो जो भी आ गए हैं, वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, विकास, देवेश, भारती, प्रवेश, सुरेंद्र, दीपक, दीपिका, देन देवेश अगेन, ठीक है, संजना, पूनम, पूजा, निशांत एंड अमित। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, करते हैं शुरू, ठीक है। सारे जगह हुए हैं, सो तो नहीं गए रिविजन करते करते, सो जस्ट कमेंट यस, लेट अस स्टार्ट, ठीक है। नमस्ते रवि, ओके, ग्रेविटेशन आराम आराम से करेंगे अब, समझते हुए सारी की सारी चीजों को जो जो इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। ओके, कल्पना गुड मॉर्निंग, यस, ओके, ठीक है, जगे हुए हैं कुछ कुछ लोग, कुछ लोग सो गए हैं। चलो देखो, ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन बेसिकली अपना होता है, मतलब एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय फोर्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। अट्रैक्शन फोर्स है पहली चीज, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपल्शन का फोर्स नहीं, अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे सामने लैपटॉप है, मैं और लैपटॉप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप बैठे हुए हो, आपके सामने भी मोबाइल है, तो आप भी मोबाइल को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है, हर चीज जो प्रेजेंट है या फिर उसके हिसाब से अपना ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये डिपेंड किस पे करता है, देखो ये डिपेंड करता है मास पे। अब इसका जो फॉर्मूला है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ये जी है, ये है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10^-11, ठीक है। तो ये एक, तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, देन आपको एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर याद रखना है। एम वन एम टू क्या है, मास, फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी, या फिर सेकेंड मास सेकेंड बॉडी, दूरी कितनी भी हो सकती है, ठीक है, दूरी पे फर्क नहीं पड़ेगा। टेंडेंसी मतलब इनफाइनाइट दूरी भी होगी तो भी जीरो के आसपास रहेगा, बट देयर विल बी सम अट्रैक्शन। तो अगर अपन ग्रेविटेशन अर्थ की भी बात करते हैं, तो ऐसा कभी भी मत समझना कि जो स्मॉल जी होता है वो आपका कॉन्स्टेंट रहता है, नो, वो भी आपका चेंज होता रहता है इस फोर्स के हिसाब से। जी इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इनके हिसाब से ये चीज चेंज होती रहती है। तो ये हो गया अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। गुड मॉर्निंग विवेक,
नहा के बैठते हैं, मैं भी कल से नहा के बैठूंगा धीरे धीरे, ठीक है। ग्रेविटी, देखो फोर्स इज फोर्स, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन। तो फोर्स अपन ने क्या देखा था, फोर्स है मा एम ए, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय एम। तो जिस भी बॉडी पे आप ग्रेविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई कितनी लग रही है दूसरे के कारण, ठीक है, तो अर्थ जैसे पुल करती है, बेसिकली क्या है कि ग्रेविटी अर्थ का रहता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। इन जनरल किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो ग्रेविटी और ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे जो अपना एक्सेलरेशन रहता है वो कितना रहता है, 9.8 मीटर पर स्क्वायर। तो ये यूनिट पता होना चाहिए, 9.88 पता होना चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ऊपर से कोई बॉडी ड्रॉप की, वेलोसिटी जीरो, अब जैसे ही 1 सेकंड उसका कंप्लीट होगा तो उसका एक्सेलरेशन अगर 9.8 है तो उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी वो कितनी हो जाएगी, 9.8। तो जीरो से अगर ड्रॉप करोगे तो कहां तक पहुंचेंगे, 9.8 तक, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड, इसीलिए एक्सेलरेशन इतना है। नेक्स्ट में अगर जाएंगे 2 सेकंड अगर होगी तो इसमें फिर से ऐड कर दो, ठीक है, 9, 6, 9, 2, 18, 18 और 1, 19, 19.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। राहुल गुड मॉर्निंग, कोई नहीं, वेलकम। इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप आपकी ये रहता है, देखो इसमें सारा का सारा जो खेल है वो है मास का, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या देखा है, अभी जो आर है, आर जो रहता है डिस्टेंस इन दोनों बॉडीज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेते हैं, ठीक है। तो एज सच ये शेप पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मास पे ही डिपेंड करता है। एंड ये सारा, हाँ, जो एक्सेलरेशन, देखो ग्रेविटी वाला, तो अब अगर अपन ऊपर वाले की बात करें फोर्स की, तो फोर्स आपका सिर्फ मास और रेडियस पे डिपेंड करेगा। अगर आप ग्रेविटी की बात करोगे तो अर्थ तो कांस्टेंट हो गई, तो अर्थ वाला तो आपका वो हो जाएगा कांस्टेंट, और अपन एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसका तो मास अपन ने डिवाइड कर दिया, तो दोनों वो मास से मास कैंसिल हो गया। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा हुआ है ये सिर्फ अर्थ के मास पे डिपेंड कर रहा है और आपके जी पे डिपेंड कर रहा है और उनके डिस्टेंस पे, मतलब वैसे तो अपन इसको नॉर्मली अर्थ के कंटेक्स्ट में कांस्टेंट बोल देते हैं, बट अगर आप अर्थ से ऊपर भी जाओगे तो भी जी डिक्रीज होता है, और अगर नीचे भी जाते हैं तो भी जी डिक्रीज होता है, ये चीज भी याद रखनी है। इन जनरल समझने के लिए अपने इसको कॉन्स्टेंट ही मानते हुए चलना है। अब देखो अगर एक आदमी मतलब जंप विद वेलोसिटी वी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और उसका जो हाइट है वो अटेंड रहेगी वी स्क्वायर बाय 2g, जो भी अपना फार्मूला था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, तो उसके हिसाब से, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ जी ऑन मून विल बी लेस, ठीक है, क्यों, वो 1/6 है, मतलब ग्रेविटी की वैल्यू 1/6 है, तो वो 6 टाइम्स ज्यादा ऊपर की तरफ कूद सकता है, हाइट उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फोर्स उतना ही कम लगेगा फिर कूदने में अगर सेम फोर्स से रहेगा। यस, इनसाइड द अर्थ ऑल्सो इट डिक्रीजेस, यस विकास, वही मैंने कहा, अर्थ के ऊपर भी जाएंगे तो भी डिक्रीज होगा, नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि जैसे ही आप अंदर की तरफ जाओगे तो जो इफेक्टिव मास है अर्थ का, जो ग्रेविटेशनल फोर्स आप पे लगाएगा वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और आर बढ़ती है, बट आर उतनी नहीं बढ़ती जितना मास डिक्रीज होता है, ठीक है, सॉरी आर घटती है, घटती है तो उससे इंक्रीज होना चाहिए, बट ओवरऑल डिक्रीज, ठीक है। वैल्यू ऑफ, हाँ देखो ये आएगा वेरिएशन, देखो वेरिएशन ऑफ जी, जी अपन इधर ही रखेंगे, स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सुमन जय गुड मॉर्निंग, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक है, यही तो अपन देख रहे हैं अभी। और अब देखो वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी डिक्रीजेस विद द हाइट, क्यों, क्योंकि अपना फार्मूला क्या था, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, जैसे ही आप हाइट बढ़ाई आपने अर्थ की, ये अपनी अर्थ थी, अर्थ से ऊपर गए तो आर क्या हुई, बढ़ी, तो आर स्क्वायर घटेगा, तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, यस। जी इज मैक्सिमम एट पोल्स, देखो इक्वेटर पे अपनी रेडियस ज्यादा होती है कंपेयर टू पोल्स, तो रेडियस आपकी पोल्स पे कम है तो जी पोल्स पे ही मैक्सिमम होगा, यस। मिनिमम एट इक्वेटर, अर्थ के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वेटर पे आपकी रेडियस ज्यादा हो गई है तो मिनिमम। जी डिक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अब अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, रोटेट कर रही है तो उसकी वजह से अपना जी क्या है, कम हो रहा है, क्योंकि फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है,
जो अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख रहे थे रोटेशन की वजह से, अपन ने जैसे ज्योग्राफी में देखा था कोरियोलिस फोर्स, तो वैसा ही ये हो गया। आप जैसे ही रोटेट कर रहे हो, एक तो नॉर्मल अट्रैक्शन है, ठीक है, अब मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, तो अर्थ अगर रोटेट नहीं कर रही होती तो मेरे और अर्थ के बीच में सिर्फ यही अट्रैक्शन होता, बट अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो बाहर की तरफ भी आपका वो लगता है थोड़ा सा, ठीक है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा अपन इसको मान के चलेंगे कि यस इट डिक्रीजेस। अगर ये रोटेशन आपका बढ़ जाएगा तो कम हो जाएगा, और अगर घट जाएगा तो फिर से वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। रोटेशन ज्यादा तो बाहर की तरफ फोर्स ज्यादा, फोर्स ज्यादा तो इफेक्टिव जो वो है ग्रेविटी वो कम हो जाएगी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, डी डिक्रीजेस इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, यही मैंने बताया, स्पीड अगर बढ़ा दोगे तो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। एम वी स्क्वायर बाय आर, जो अपना फार्मूला था एम वी स्क्वायर बाय आर, वेलेस ये रोटेशन आपका अगर बढ़ रहा है स्पीड, तो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा, और ग्रेविटी किधर है, अर्थ की टुवर्ड्स, तो ये दोनों इफेक्टिवली कम हो जाएंगे। अब देखो ये कह रहा है कि अगर ये चीज याद रख लेना फैक्चुअल है, अगर 17 टाइम बढ़ जाएगी तो इतना हो जाता है कि वो कैंसिल ही कर देता है, ठीक है, कैसे आया कैसे नहीं आया तो वो चलेगा, ठीक है। रिवोल्यूशन से ग्रेविटी में कुछ फर्क पड़ता है क्या? देखो रिवोल्यूशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा क्या पड़ता ही नहीं है। ग्रेविटी जो है अगर अपन इनको इंडिपेंडेंट रखे, रिवोल्यूशन है सन के टुवर्ड्स, ठीक है, ग्रेविटी है अर्थ और किसी दूसरी बॉडी के बीच में, तो इन दोनों के बीच में इस रिवोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहां पे रिवॉल्व कर रहा है कहां रिवॉल्व, हाँ बट इस रिवोल्यूशन की वजह से मान लो ये एपोजी पे है, अभी डिस्टेंस बहुत ज्यादा, ये पैरिजी पे है, तो जो अर्थ की मतलब इफेक्टिवली अर्थ और सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहीं ना कहीं अर्थ के रोटेशन को थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है, उसकी वजह से ऊपर नीचे हो सकता है, बट इन जनरल अपन देखेंगे कि नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है। मंगलयान में अपन इस मंगलयान में एक अलग चीज है, वो जैसे अपन ने पीएसएलवी, ये तो सारे कंसेप्ट यूज करे ही जाएंगे, बिना ग्रेविटेशन के अर्थ से बाहर निकलना भी पॉसिबल नहीं है सुन, ठीक है, और वो चलेगा, तो अपन मतलब कोई भी चीज है फिजिक्स की, तो जो स्पेस से रिलेटेड है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट सारे पता होना चाहिए। देखो अब ये है पेट सवाल, वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट, अपने आप को इमेजिन करना है कि भाई हम लिफ्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है, साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जय ने बताई दिया है, ओके। देखो इट, अब मान लो लिफ्ट आपकी बॉडी है, मतलब लिफ्ट में हो आप, अब कह रहे हैं कि लिफ्ट अगर स्टेशनरी है रुकी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रुके हुए और यूनिफॉर्म स्पीड में, एक चीज अपने को पता है कि भाई फोर्स नहीं लगा, ठीक है, तो अगर रुका हुआ है तो मेरा जितना वेट है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 80 केजीज, ठीक है, तो अगर लिफ्ट भी रुकी हुई है तो मेरा वेट रहेगा 80 ही, ठीक है, अब अपेरेंटली चल रहा है, वेट एक डिफरेंट चीज है, मास एक डिफरेंट चीज है, इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है, मास से कंफ्यूज नहीं होना है, मास इनटू जी जो ग्रेविटेशनल आपका एक्सेलरेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वेट आता है 80, ठीक है। तो कौशिक गुड मॉर्निंग, देखो अब 80 है, अब यूनिफॉर्म स्पीड से अगर चल रहे हो तो बाहर से कोई आप पे फोर्स नहीं लग रहा तो भी आपका क्या है 80, ठीक है, अब कह रहा है कि लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप ये मान के चलो, अपने आप यहाँ पे ये सोच लो कि नीचे एक वेइंग मशीन रखी हुई है जिसपे आप खड़े हो, अगर आप ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करोगे तो उस पे जो फोर्स है वो ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, सिंपल कंसेप्ट, ठीक है, तो अगर नीचे मेरे पैरों के नीचे एक वेइंग मशीन है तो उस पे फोर्स एकदम से लिफ्ट ऊपर की तरफ गई, एक्सेलरेट कर रही है तो फोर्स लगा ज्यादा, तो यहाँ पे 80 आएगा या 80 से ज्यादा, तो इधर आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 90, यस ज्यादा ही रहेगा। सेम अगर नीचे जा रही है एक्सेलरेशन से, एकदम से एक्सेलरेशन से जा रही है, तो एकदम से अगर ये जाएगी तो आप ये सोचो कि भाई आपका जो कांटेक्ट जो अभी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वेइंग मशीन से था वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे जा रही है और वो भी एक्सेलरेशन के साथ, तो ये आपका फिर लेस देन 80 हो जाएगा, ठीक है, जो अपेरेंट वेट अपना कम हो जाएगा। फिर मान लेते हैं एकदम से टूट गई, फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल में क्या है कि जो मशीन है वेइंग मशीन वो भी अपनी जी से नीचे जा रही है,
और जो मैं हूं जो मशीन के ऊपर खड़ा हूं, मैं भी नीचे जी से ही जा रहा हूं, तो जी और जी दोनों बराबर हो गए तो वो उसके कॉन्टेक्ट में ही नहीं रहेगा, वो सिचुएशन हो जाती है वेटलेसनेस की। तो मतलब अगर मशीन में अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा, बड़ा जीरो। ठीक है, उसके बाद व्हाइल गोइंग डाउन, अगर अपन नीचे जा रहे हैं, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज मोर, अगर ये जी से भी ज्यादा हो गया, तो जी से भी अगर ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली आप नॉर्मली तो जी से जा ही रहे हो, आप ऊपर की तरफ टकरा जाओगे, लिफ्ट एकदम से सर जाके लगेगा। ठीक है, ये पांचों के पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रवेश सर साइंस दोबारा क्लास में कराएंगे या फिर लूडो से ही करनी है? साइंस क्लास में भी होगी प्रवेश। ठीक है, जो एनसीईआरटी अपनी बची हुई है अपन एनसीईआरटी से क्लास में करेंगे, लूसेंट से यहाँ कर रहे हैं, और ये दोनों सोर्सेज ही अपने को रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस। एटलीस्ट 20 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड मान के चलो हरियाणा में, तो इसलिए अपन दोनों सोर्सेज से कर रहे हैं, और उसके अलावा भी कुछ एक दो जगह से अपन कंटेंट डालेंगे ताकि कुछ बचे नहीं। ठीक है, बुलेट गुड मॉर्निंग। अब देखो, अब अपना आ रहा है कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। प्लानिटरी मोशन क्या है? सब एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, अर्थ या फिर सारे के सारे जो प्लैनेट अपने 8 प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, और अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर काट रहा है, या फिर जुपिटर है, सैटर्न है, सबके अपने अपने सैटेलाइट्स हैं। तो बेसिकली बात क्या है, एक बॉडी दूसरी बॉडी के चारों तरफ चक्कर काट ही रही है, काट रही है। तो अब इन चीजों को कौन चीज गवर्न कर रही है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, कितना टाइम पीरियड लगता है, तो इन सबको देखने के लिए कैपलर ने इसको स्टडी किया था। ठीक है, तो इसने क्या क्या बताया कि भाई एक तो जो प्लैनेट है ये सर्कुलर मोशन में नहीं है, ये इलेप्टिकल मोशन में एक दूसरे के चारों तरफ मूव करते हैं। ठीक है, फिर द पोजिशन वैक्टर ऑफ द प्लैनेट विद सन, अब ये ठीक है, द एरियल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये मान के चलना है। ठीक है, एरियल वेलोसिटी क्या होता है कि एक जगह से मान लेते हैं, जैसे मान लो ये सन है, ये यहां पे था, यहां से यहां पे आया, तो ये इसने एरिया कवर किया इतना। ठीक है, ठीक है, इक्वल टाइम में। अब मान लो तो ये एक घंटे में किया, अगले 1 घंटे में मान लेते हैं ये पास में आया था इतना गया, फिर ये एरिया कवर किया अगले 1 घंटे में, टाइम के हिसाब से देखेंगे तो ये जो है इनका प्रोपोर्शन वो लगभग लगभग क्या मतलब सेम रहेगा, एरियल वेलोसिटी सेम रहती है। ठीक है, तो 1 घंटे में ये, 1 घंटे में ये, इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई ये ज्यादा कर लिया, नहीं, बट ये एरिया और ये एरिया दोनों के दोनों सेम रहते हैं, इसी को ही आप यूज करते हो। ठीक है, इसी लॉ को यूज करते हैं, तो इसी के कारण क्या है कि जो आपके प्लैनेट्स पास हैं, ठीक है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है, मेन डिस्टेंस, ये चीज आप फार्मूले को याद रख लेना। तो जो पास हैं जिनकी ये कम है उनका टाइम पीरियड भी कम होगा, टाइम पीरियड कम है यानी वो फास्ट मूव कर रहे हैं, तो द स्पीड ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेस जो क्लोज रहेंगे, जैसे कि मरकरी, या फिर दूर होंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो पास है तो टाइम पीरियड कम, टी प्रोपोर्शनल टू आर, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो टाइम भी कम रेडियस भी कम, एक चक्कर काटने में कम टाइम लग रहा है यानी स्पीड ज्यादा। ठीक है, तो स्पीड जो प्लैनेट अर्थ के पास है उसकी ज्यादा। ठीक है, देन देखो ये देख लेते हैं, मरकरी 88, प्लूटो इतना था। ठीक है, सैटेलाइट्स क्या होते हैं आपके, नेचुरल और आर्टिफिशियल हो सकते हैं जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं। एक मिनट, ठीक है सर, करंट अफेयर एटलीस्ट 1 साल के करने हैं कुलदीप, गुड मॉर्निंग एंड जय। एनसीईआरटी करने की तो जरूरत पड़ सकती है, एनसीईआरटी में मतलब अभी अपन कर रहे हैं, अगर मुझे लगेगा कि भाई नहीं करने की आवश्यकता है तो आई विल टेल यू, बट मेरे हिसाब से एक बार कर लेनी चाहिए, वैसे काफी कुछ दिया हुआ है लूसेंट में, बट आई थिंक अगर टाइम है तो कर लो। गुड मॉर्निंग कोरोना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस, 20 क्वेश्चन के आसपास कवर कर रहा है तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, अब अपना क्या आ रहा है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ये आपका सैटेलाइट है, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, ऑर्बिटल स्पीड इसकी कितनी स्पीड रहेगी, किस किस चीजों पे डिपेंड करेगी, तो ये सारे के सारे इसके मास पे डिपेंड नहीं करती, चाहे सैटेलाइट 1 किलो का हो चाहे 1000 किलो का हो, वो रेडियस पे डिपेंड करती है कि वो कहाँ पे, अर्थ से मान लेते हैं कि भाई डिस्टेंस 1 किलोमीटर पे है, 10 किलोमीटर पे है, तो वो उस डिस्टेंस पे
आपका डिपेंड करता है, ना कि उसके मास पे। तो डिफरेंट मासेस भी अगर रिवॉल्व करेंगे तो वो सेम ऑर्बिटल स्पीड से रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, तभी वो इस ऑर्बिट में रह पाते हैं। एंड दिस डिपेंड्स ऑन द रेडियस ओनली, ज्यादा रेडियस तो लेसर ऑर्बिटल स्पीड, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। और अगर आप अर्थ के बिल्कुल पास में हैं, रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो आपकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होनी चाहिए? 1 सेकंड में आप 7.9 किलोमीटर मूव करोगे, ये ध्यान रख लेना, बस फैक्चुअल है। तो आप अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट सकते हो, और अगर ये इससे कम है तो आप गिर जाएंगे, मतलब एज अ सैटेलाइट वो अर्थ के अंदर वापस से गिर जाएगा, नहीं तो चक्कर काटता रहेगा, ठीक है। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, मतलब कितना टाइम लग रहा है? तो ये पूरा चक्कर काटा तो ये सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट अपॉन किस स्पीड से काटा, ऑब्वियसली, तो ये दोनों के दोनों। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट। टाइम क्या है? ऑर्बिट की स्पीड, सॉरी, स्पीड क्या है? ऑर्बिट की स्पीड। तो टाइम क्या आ जाएगा? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। अब ये जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट है, ये किस किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे। हाइट जितनी रहेगी, क्योंकि वो रेडियस के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं, तो जितनी ऊपर आप जाते जाओगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि अर्थ के जो पास है वो ज्यादा स्पीड से मूव करता है, तो वो जल्दी जल्दी मूव कर देता है, नहीं तो वो गिर जाएगा। ऊपर वाला है, उसको हो सकता है उतनी तेज स्पीड से मूव ना करना पड़े, ठीक है। एक तो उसकी स्पीड कम होगी, एक उसका डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया, तो दोनों ही चक्कर में इसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बढ़ जाएगा। सर्कमफेरेंस इंक्रीज, स्पीड सॉरी, स्पीड आपकी ऊपर की तरफ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ओके संदीप, गुड मॉर्निंग। विवान, गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब देखो, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, ये हमें पता है। और अगर जो नियर टू द सरफेस है वो 84 मिनट्स में, यानी उसकी स्पीड तो लगभग कितनी थी? 7.6, और 84 मिनट में ही पूरा चक्कर वो काट देगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, सॉरी, गॉड ब्लेस अस अगेन, गॉड ब्लेस एवरीवन, ठीक है। अब हमारा आ रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखो नाम क्या है, जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी, सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट जो उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, रुका हुआ किस सेंस में? अच्छा, 7.9 होगी, ठीक है, 7.9। अगर वो रुका हुआ है, रुका हुआ किस सेंस में है? मतलब अगर मैं इस पोजीशन पे हूं तो मुझे सैटेलाइट यहां दिखाई दे रहा है ऊपर, वो भी पूरा चक्कर काट के आ रहा है, मैं भी पूरा चक्कर काट के आ रहा हूं अर्थ, क्योंकि रोटेट कर रही है, तो वो 24 घंटे में पूरा चक्कर काट के आ रहा है। तो वो हमेशा आपको क्या लगेगा कि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट इज स्टेशनरी। तो इसको जो अपन बोलते हैं, इसको जो पार्क किया जाता है, या फिर इसको हाइट जो रखी जाती है 24 घंटे, देखो जो अर्थ के बिल्कुल पास था वो तो 84 मिनट्स में ही चक्कर काट के आ गया, और ये है 36,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। बट इसमें सवाल क्या आया था एचसीएस में, इसका जो प्रिसाइज है, ठीक है, जो वो आपने बताया विकास, 35,786, ठीक है, 786, ये अपने मुस्लिम रिलीजन में बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छा नंबर माना जाता है, काफी लकी नंबर माना जाता है। तो ये पार्कर और पार्किंग ऑर्बिट है, आर्थर सी क्लार्क है, इसी ने ये प्रेडिक्ट करके बताया कि भाई जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उनको आप इसमें रखिए, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मली क्या होता है कि जो नेविगेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो तीन रखे जाते हैं, एक जियो स्टेशनरी 36,000 से लगभग लगभग 120 डिग्री का कवर अप कर लेता है, 120 120 120, तो ऐसे तीन सैटेलाइट जनरली रखे जाते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। अब हम आते हैं यहां पे एस्केप वेलोसिटी, नाम ही क्या है, एस्केप। एस्केप कहां से होना है आपको? अर्थ से। तो अर्थ से एस्केप होने के लिए देखो, अर्थ का मास, इसका मास, सारी चीजें देख लो, और फिर जितना एक्सेलरेशन अपने पे लग रहा है तो वो अपना है इंडिपेंडेंट, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉस्मिक वेलोसिटी भी। अगर सवाल ऐसा आ जाए, व्हाट इज कॉस्मिक वेलोसिटी, एक तो ये याद रखनी है कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर मैं यहां से एकदम से 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ने लग जाऊं तो मैं अर्थ से बाहर निकल जाऊंगा। अब उसमें डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती कि मैं सीधा का सीधा उड़ जाऊं या फिर ऐसे उड़ जाऊं। तो जैसे महाभारत में भीम था, भीम क्या करता था,
भीम हाथियों को फेंक देता था स्पेस में। तो स्पेस में कैसे फेंकता था, क्योंकि वो उसकी एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर से ऊपर की तरफ, तो उतना ही फोर्स भी चाहिए। और अगर अपन मून पे जाएंगे, मून पे ऑब्वियसली 1/6 हो जाता है, तो उसको लगभग कितना हो जाता है, 2.4 किलोमीटर। ठीक है, लगभग इतना ही लिखा, यही ध्यान रखेंगे। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका होता है अंडर रूट जी इंटू आर, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये इससे इन्होंने कैलकुलेट किया है, ये अपने काम का नहीं है। हाँ, अब देखो ये वैसे लिखा हुआ है कि भाई जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है जिसमें सैटेलाइट मूव कर रहा है, अगर उससे अपन इसको 41% कभी भी इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि अंडर अंडर रूट 2 GR है, और GR आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है अंडर रूट GR। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी है अंडर रूट 2 GR। तो कितना ज्यादा है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से, अंडर रूट 2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी अगर इंक्रीज कितना करना है, अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या आती है, 1.414। तो ये कितने परसेंटेज में जा रहा है, 41.4% अगर प्रिसाइजली बोले तो। तो ये अपना कितना हो जाता है, 41%। ठीक है, ये हो गया आपका एस्केप वेलोसिटी। और ये देन अपना नेक्स्ट क्या आ रहा है, प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर फील होता है, तो उसमें अब अपन इसका फॉर्मूला होता है फोर्स, जितना फोर्स लग रहा होता है अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब ये यहां पे लिखा हुआ है नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस। अब नॉर्मल फोर्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सरफेस एरिया है, फोर्स लग रहा है इतना, नॉर्मल फोर्स रहेगा जो 90 डिग्री पे आपका फोर्स लग रहा है। अगर इस पे फोर्स ये लगे तो 90 डिग्री पे तो जीरो हो जाएगा। तो ये अपन एंगल के हिसाब से देखेंगे कि ये वाला जो कंपोनेंट है जो डायरेक्टली इसके ऊपर आ रहा है, इस वाले कंपोनेंट के हिसाब से कितना लगेगा वो देखना है आपको। ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस अपॉन एरिया ऑफ द सरफेस। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होता है आपका न्यूटन, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, पास्कल, PA। ठीक है, एंड प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, एरिया अगेन स्केलर, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। एप्लीकेशंस क्या है, देखो अपने जो बैग होते हैं, बैग के जो हैंडल्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड होते हैं तो मतलब क्या है कि जैसे ही आप उसको पकड़ोगे तो एरिया ज्यादा आपके कॉन्टेक्ट में आएगा, तो वो आप पे उतना प्रेशर नहीं डालेगा। बट अगर पतला रखेंगे उसको तो एरिया अपना कम कॉन्टेक्ट में आता है, कम कॉन्टेक्ट में तो प्रेशर ज्यादा, तो उठाने में भी आपको तकलीफ ज्यादा होगी। ठीक है, फोर्स उतना ही लग रहा है बट तकलीफ ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हो गया, इसीलिए ब्रॉड रखे जाते हैं। ऐसे ही रेलवे के नीचे जो वुडन स्लीपर्स लगाए जाते हैं बड़े बड़े, वो भी उसको आराम से चलने में हेल्प करते हैं। पिन जो है वो बहुत ही कम एरिया की होती है, क्यों, क्योंकि वो एकदम से उसको क्रॉस इन कर देंगे। ठीक है, तो पॉइंटेड एंड्स होते हैं इसके, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू लेस प्रेशर, यस, मोर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट लेस प्रेशर, सब कुछ। अब देखते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो कॉलम ऑफ एयर है यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो उसमें कितना प्रेशर अपना लग रहा है। ठीक है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो एग्जर्ट करा जाएगा बाय मर्क्यूरी कॉलम ऑफ 76 सेंटीमीटर लेंथ, या फिर 760 mm पे अपन देखते हैं कि भाई इतने में 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर उसको बोला जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है जनरली वो रहती है 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे थोड़ा थोड़ा। एंड 1 ATM इक्वल्स टू 1.01 × 10^5, या फिर 760। और 1 torr कितना, मरकरी के 1 mm कॉलम की लेंथ से जो प्रेशर आप पे रहेगा। ठीक है, तो वो प्रेशर, बस इतना ही ध्यान रखो, 760 776 जो भी, सेंटीमीटर्स में और एमएम में। अब जैसे जैसे एल्टीट्यूड यानी आप ऊपर जाते जाओगे तो कॉमन सेंस क्या बोलती है, आपके ऊपर जो एयर का कॉलम है वो घटता जाएगा। अब मैंने जो डिस्टेंस कवर कर दिया वो एयर तो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं लगाएगी। ठीक है, और इसी वजह से ये आपका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो अगर हिली एरिया में हम है तो कुकिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग उषा, कुकिंग डिफिकल्ट हो जाती है अपनी यहाँ पे, क्योंकि वहां पर जो एटमोस्फेयर प्रेशर अपना लग रहा है वो कम हो गया, तो उसको उड़ने के लिए मतलब नॉर्मली क्या होता है, मान लेते हैं एंड
ये आपका बर्तन है, बर्तन में पानी, ठीक है, पानी के ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब ये हीट कर रहे हो यहां से, तो प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर कुकर क्यों रखा जाता है, प्रेशर ज्यादा तो ये इसको अच्छे से गर्म करके हीट कर देता है, हीट कर देता है तो पक जाता है खाना अच्छे से। बट अगर प्रेशर कम होगा तो ये इसको उतना हीट नहीं कर पाएगा, वो बाहर की तरफ एस्केप हो जाती है हीट, तो ये यहाँ पे नहीं रह पाता, तो इसलिए इसमें ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। एंड फाउंटेन पेन भी ऐसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो एरोप्लेन में लीक हो जाते हैं, तो वो अपन लेके नहीं चलते, ठीक है। और ये सवाल अपन ने देखा भी था ज्योग्राफी में भी, अगर सडन फॉल होता है बैरोमेट्रिक रीडिंग्स में, यानी प्रेशर एकदम से कम हो रहा है, प्रेशर एकदम से कम हो रहा है, तो फिर आपका स्टॉर्म की कंडीशन आती है, ठीक है, ये हो गया। फिर हाँ, और यहाँ पे क्या होगा, फॉल, स्लो फॉल आपका किसमें रहेगा, रेन में, धीरे धीरे से कम हो रहा है, यानी लो प्रेशर तो आ रहा है, लो प्रेशर धीरे धीरे आ रहा है तो रेन होगी, एकदम से आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, थंडरस्टॉर्म टाइम रेन भी होगी और एकदम से प्रेशर अनस्टेबल कंडीशंस भी आपके आ जाएंगे। धीरे धीरे बढ़ेगा तो मतलब वो क्या है, क्लियर वेदर, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो क्लियरिटी की तरफ जा रहा है। अब आ रहा है प्रेशर इन लिक्विड। अब अगर एक कोई लिक्विड है, देख लेंगे कितना खत्म करना है कितना नहीं करना है, अभी के लिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जितना होगा अपन करेंगे आराम से, ठीक है। देखो यूनिट अब वही है, जो एक लिक्विड है एक कॉलम में है, तो ये दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यूनिट एरिया ऑफ वॉल और द बेस, ये इन दोनों पे ही प्रेशर लगाएगा, इधर भी प्रेशर लगाएगा और इधर भी प्रेशर लगाएगा। इसकी मान लेते हैं ये है, यहाँ पे प्रेशर इक्वल्स टू एच डी जी, यानी कितने हाइट पे आप देख रहे हो लिक्विड जो है वो कितने हाइट तक है, कितनी उसकी डेंसिटी है, तो इन सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है। और जी अपना क्या हो गया, ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी, जो भी एक्सेलरेशन अपना है वो, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। एंड इसमें अब क्या है कि स्टैटिक लिक्विड हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ठीक है, तो स्टैटिक लिक्विड हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम एट ऑल पॉइंट, सारे के सारे एक हाइट पे अगर देखोगे तो प्रेशर सेम रहता है। प्रेशर एट पॉइंट इन स्टैटिक लिक्विड हैज सेम वैल्यू इन ऑल द डायरेक्शन, रुका हुआ है तो सारे के सारे जगह सेम प्रेशर रहेगा और सेम डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में सेम ही रहेगा। प्रेशर जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फ्री सरफेस, जितना आप नीचे आते जाओगे, ठीक है। तो ऊपर वाला मान लेते हैं मैं सबसे ऊपर हूं, लिक्विड की जो सरफेस है, लिक्विड की सरफेस के सबसे ऊपर हूं, तो सबसे ऊपर हूं तो यानी हाइट, लिक्विड से हाइट अपनी क्या होगी, जीरो, क्योंकि मैं उसके ऊपर हूं तो मेरे ऊपर लिक्विड तो है ही नहीं, तो प्रेशर जीरो। बट जैसे जैसे मैं नीचे आता जाऊंगा एच हाइट पे, H1, H2, H3, सबसे नीचे लास्ट वाले कॉलम में आ गए, तो पूरा का पूरा लिक्विड कॉलम आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो आप जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी प्रेशर बढ़ता जाएगा। सेकंड, क्योंकि ये देखो प्रेशर इक्वल्स टू एच डी जी, जितनी हाइट में आप हैं, जितनी हाइट पे आपके ऊपर लिक्विड है उतना ही ज्यादा प्रेशर। ऐसे ही डेप्थ, डेप्थ तो हो गया, डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी, एक लिक्विड पानी है, एक लिक्विड मिल्क है, एक लिक्विड मरकरी है, एक गोल्ड हो सकता है, तो जो ज्यादा डेंस होगा ऑब्वियसली कॉमन सेंस क्या बोलेगी, ज्यादा डेंस तो ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर लगाएगा। पास्कल लॉ क्या होता है, P1A1 = P2A2, ठीक है, तो प्रेशर इंटू एरिया जो है वो कांस्टेंट रहता है फोर्स। कहते क्या है, एक लिक्विड में, ठीक है, किसी भी जगह पे मान लो ये है तो वो इतने एरिया से आ रहा है, इतने फोर्स इक्वल सा रहता है, ठीक है, हर जगह। तो फोर्स आपका क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया क्या था, प्रेशर, प्रेशर के हिसाब से अपन इसको कांस्टेंट बना देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों F1A1, सॉरी, प्रेशर इक्वल रहता है F1A1, F2A2, ये है सारा का सारा, फोर्स प्रेशर, सॉरी कंफ्यूजन है, F1A1 F2A2 रहता है। तो अगर अपन कम एरिया रखते हैं तो उस पे अपने को कम फोर्स लगाना पड़ता है। हाइड्रोलिक प्रेशर में क्या होता है कि मान लो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया रखा अपने और इसको कनेक्ट किया बड़े वाले से, प्रेशर तो लिक्विड में सारी जगह सेम है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपन ने रखा, तो जैसे आपकी कार कैसे उठा दी जाती है, ठीक है, कार ऐसे उठा दी जाती है, ये बड़ा एरिया है, इस पे मान लो इतनी बड़ी कार रखी हुई है, ठीक है, ये एक छोटा एरिया है और इस पे आप फोर्स लगाओगे, एरिया के हिसाब से आपको मतलब प्रेशर जो है
वो इसमें लिक्विड में यहां पे जो है और यहां पे जो हाइट के हिसाब से वो सेम रहेगा। तो यहां पे अपने को कम फोर्स लगाना पड़ता है एरिया के हिसाब से, इधर आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं इसको? देखो, प्रेशर इक्वल रखना है लिक्विड में हर जगह, तो प्रेशर यहां पे और प्रेशर बड़े वाले पे इक्वल, और प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। इधर प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। हमने यहां पे एरिया कम किया, फोर्स कम किया, प्रोपोर्शनली बराबर हो जाएगा। ये एरिया अपन ने बढ़ा दिया तो ये भी ज्यादा फोर्स को उठा पाएगा। ये जस्ट बिकॉज आपने एरिया इसका बढ़ा दिया है तो ये बड़े लिफ्ट कर देता है। यही प्रिंसिपल आपका यूज किया जाता है लिफ्टिंग में। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। प्रेशर इक्वल करना है, थोड़ा सा मैं, प्रेशर इक्वल करना है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया अगर बढ़ाओगे तो फोर्स जो लिफ्ट किया जा रहा है वो भी अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हर जगह पे आपका उसके अंदर। अब अपना नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन क्या होता है, एक बॉडी फ्लोट करती है, तो बायोन फोर्स। ठीक है, बायोन से बोलते हैं इसको जो फ्लोट करती है। कहाँ लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। मान लो एक लिक्विड के अंदर बॉडी पड़ी हुई है तो बायोन फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये कितना लगेगा, ये हमेशा लगता है कि जो बॉडी वेट ऑफ द लिक्विड जो आप डिस्प्लेस करते हो। ठीक है, अगर बॉडी पूरी की पूरी लिक्विड में चलेगी तो जितना एयर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया होगा, वॉल्यूम से आप निकाल लो वेट, तो जितना वेट डिस्प्लेस करेगी उतना ही बॉयंट फोर्स लगेगा। जब बॉडी का वेट, इस बॉडी का वेट और जो लिक्विड जो डिस्प्लेस किया है आपने उसका वेट, ये दोनों जब समान हो जाते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है, फ्लोट करती है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और पहले किसने डिस्कवर किया था, आर्किमिडीज ने। ठीक है, तो यही आपका है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब या तो बॉडी इमर्ज है पार्शली या फुली, तो अपेरेंट लॉस इन द वेट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और जब ये दोनों के दोनों बराबर हों, या फिर जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका ज्यादा वेट हो, तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी ऊपर की तरफ। आपका प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। देखो, अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ डेंसिटी जो है आपके मटेरियल की लेस है देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये तो सिंपल सी चीज है। लिक्विड की डेंसिटी मान लेते हैं 10 है, तो यहां पे अगर इसकी डेंसिटी 5 होगी तो ये फ्लोट करेगी। ठीक है, और इक्वल भी हो सकती है। अगर इक्वल है तो ये पूरी की पूरी सबमर्ज्ड होनी चाहिए अंदर की तरफ। इक्वल है तभी तो इक्वल डिस्प्लेस करेगी वेट को, तो उतना ही आप स्पेस के अंदर जाओ तो ये पूरी की पूरी अमर्ज्ड हो जाती है। कम थी तो ऊपर तैरने से भी काम चल रहा है, और अगर ज्यादा होगा डेंसिटी तो नीचे की तरफ आपकी चली जाएगी। बट उस टाइम पे फिर अपन क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो जैसे शिप्स हैं, शिप्स बने तो होते हैं ज्यादा डेंसिटी से, बट वो सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो वो जो लिक्विड डिस्प्लेस करते हैं सेम फोर्स के साथ ही, वो बहुत ज्यादा कर देते हैं और वो उनके वेट को फिर बैलेंस कर देता है। तो राम राम हितेश। ओके, इतना ही ध्यान रखेंगे। सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस बाय द बॉडी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायंसी। जो ये लिक्विड आप डिस्प्लेस कर रहे हो इसका सेंटर कहाँ रहेगा, वो हो जाता है आपका सेंटर ऑफ बायंसी। बस आप देखो, मेटा सेंटर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा कंसेप्ट है। ठीक है, ये इतने में नहीं जाना, ये अपने काम का नहीं है, याद भी नहीं रहेगा। मैंने इसको पढ़ने की कोशिश करी थी बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये है, ये सवाल बनते हैं, व्हेन अ पीस ऑफ आइस फ्लोट्स इन लिक्विड मेल्ट्स कंप्लीटली, तो जो लेवल ऑफ लिक्विड है या फिर वाटर है वो इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया। ऐसे सवाल बनता है कि भाई पानी में आइस रखी हुई है या फिर किसी लिक्विड में आइस रखी हुई है, तो वो डिपेंड करेगा। ये जो लेवल है रिमेन्स अनचेंज्ड अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर पानी में आप आइस रखोगे तो आइस थोड़ी सी ऊपर दिखेगी और उसने उतना ही डिस्प्लेस कर रखा है जितना वो करना चाहती है, तो वो जो अपना लेवल है पानी का लेवल वो कितना रहता है, जैसे ये पिघलती है सेम। ठीक है, ये लेवल आपका गिरेगा
अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम है ठीक है, देन डेंसिटी ऑफ वाटर, लिक्विड क्या है हल्का है, हल्का है तो आइस जो है वो ज्यादा अंदर तक जाएगी, अभी जैसे जैसे पिघलेगी तो ऊपर आएगा, तो ये लिक्विड का लेवल जो है वो गिर जाता है कंपेरेटिवली ठीक है। और अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है देन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी ये फ्लोट कर रही है ऊपर, जैसे ही ये मेल्ट करेगी ये लेवल आपका राइज हो जाता है ठीक है। अब ऐसे ही एक कोई सॉलिड पीस है वो पूरा का पूरा एम्बेडेड विद आइस ब्लॉक इज फ्लोटिंग ठीक है, अगर तो आपकी ये आइस हो गई पूरी की पूरी मेल्ट, तो वो जो सॉलिड ब्लॉक है वो कहां पे आ जाएगा अंदर, अब पानी में आ जाएगा, तो लेवल ऑफ वाटर फॉल्स अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा है, जैसे ही ज्यादा होगी तो वो पहले तो ऊपर था ठीक है, तो वो ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर पा रहा था उसकी वजह से, अब ये कम डिस्प्लेस करेगा ठीक है, तो ये फॉल हो जाता है। और अगर ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये देखो बहुत ही थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से प्रोसेस है बट ध्यान रखो ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर से कम है, कम है तो वो वैसे ही फ्लोट करना था, तो जितना ऊपर उसने डिस्प्लेस किया होगा उतना ही अंदर आके डिस्प्लेस करेगा, तो जो लेवल है वो चेंज नहीं होता ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ये मेटा सेंटर और ये सब अपन ध्यान नहीं रखेंगे। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है अपना, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है डेंसिटी, और ऐसा यूनिट क्या रहेगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर रिलेटिव डेंसिटी पूछा जाए, रिलेटिव हमेशा क्या होता है किसी के रिस्पेक्ट में, तो हम हमेशा रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं वाटर के रिस्पेक्ट में एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट होगी क्या, नो, क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी तो कैंसिल, यूनिटलेस होता है ये। एंड ये मेजर कैसे की जाती है, हाइड्रोमीटर से ठीक है, दो यहां पे आ रहे हैं, एक तो आ रहा है हाइड्रोमीटर, एक आ रहा है लैक्टोमीटर, ये दोनों ध्यान रखने, हाइड्रोमीटर फॉर रिलेटिव डेंसिटी, लैक्टोमीटर फॉर प्योरिटी ऑफ मिल्क, कि भाई इसमें कितना आपका पानी मिला हुआ है ठीक है। अब देखो सी के कंटेक्स्ट में अपन बोलते हैं, सी की जो डेंसिटी है वो नॉर्मल पानी से तो ज्यादा है, तो इसलिए आप पे जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगता है, तो वहां पे तैरना स्विमिंग जो आपकी सी में है वो इजी हो जाती है ठीक है। और एक चीज ये याद रखनी है, हमेशा ऐसे बोलते हैं ना 90% इनसाइड द वॉटर 10% आउटसाइड, तो क्यों, क्योंकि उसकी वो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है ठीक है, डेंसिटी कम होती है आइस की, डेंसिटी कम होती है जब लिक्विड फॉर्म में पानी है तब डेंसिटी ज्यादा होती है, जब वो आइस बन जाती है बन गया सॉलिड बट डेंसिटी कम हो जाती है, तो इसलिए जैसे आइसबर्ग अपन देखते हैं तो आइसबर्ग भी क्या रहता है, दैट आइसबर्ग में 1/10 आउटसाइड 90% नीचे, यस डेट सी में आपका इजिली फ्लोट कर सकता है ठीक है, क्योंकि वहां तो और ज्यादा हुआ है, बट वहां पे फिर दिक्कत क्या आएगी, आपका पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, स्किन, स्किन से पानी बाहर निकलने लग जाएगा ठीक है। अब नेक्स्ट अपना आता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन बेसिकली यहाँ पे दो तीन कंसेप्ट हैं, मतलब जैसे एक लिक्विड है, लिक्विड का सरफेस होगा, उस सरफेस पे जितना भी टेंशन या फोर्स लग रहा है उसकी, उसी को बोलते हैं अपन सरफेस टेंशन ठीक है। अब यहां पे देखो एक है कोहेसिव फोर्स, कोहेशन क्या होता है अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स आपस में जो एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर चिपके रहते हैं उसको अपन बोलते हैं कोहेसिव फोर्स ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। मैक्सिमम किसमें होगा, ऑब्वियसली सॉलिड्स में, क्योंकि सॉलिड बिल्कुल अच्छे से शेप में रहते हैं, तो कोहेसिव फोर्स मैक्सिमम सॉलिड्स में। अगेन ऐसा ही क्या होता है एडहेसिव, एडहेशन भी क्या होता है अट्रैक्शन ठीक है, एडहेशन में दो अलग अलग आपके ऊपर चिपक जाते हैं ठीक है। दक्ष गुड मॉर्निंग, लेट हो गए, टू लेट, क्लास खत्म होने वाली है, खत्म ही नहीं, एक घंटा होने वाला है यार। एडहेसिव फोर्स, एडहेशन मतलब फिर अट्रैक्शन। अब है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बेसिकली क्या होता है, अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट, इट हैज टेंडेंसी टू हैव एरिया ऑफ इट्स फ्री सरफेस मिनिमम
एज इट वर्क अंडर टेंशन लाइक ए स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। देखो समझना है इसको, जैसे मान लेते हैं नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी यही रहती है, जो लिक्विड होता है मिनिमम से मिनिमम एरिया में वो अपने आप को कंफाइन करके रख ले। यही जो प्रॉपर्टी है, जैसे इलास्टिक मेम्ब्रेन को खींचा वो दोबारा से वापस आ जाएगी, फिर खींचा फिर वापस आ जाएगी। तो अब जो सरफेस एरिया है वो रखता है मिनिमम से मिनिमम, यही सरफेस एरिया को मिनिमम रखने की जो प्रॉपर्टी है इसी को अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन। जैसे ये गोल गोल, इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, अब सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो इधर ही लगेगा अट्रैक्शन का, और जो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो ऑटोमेटिकली जो शेप है लिक्विड की वो अपने आप ही गोल गोल हो जाएंगे, क्योंकि वहीं पे आप इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये चौकोर बन जाए, ठीक है, लिक्विड में चौकोर नहीं बन सकता, क्योंकि फिर ये देखो ये फिर इसको अट्रैक्ट करेगा, ये फिर इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे गोल गोल हो जाएगा इक्वालिटी की तरफ। रेनड्रॉप, यस। अब अपना ये है, ये हो गया इसीलिए, और जो स्फेयर आपका रहता है स्फेयर की ही सरफेस एरिया सबसे मिनिमम, तो इसीलिए ही स्फेरिकल, ठीक है। स्फेयर का अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे या मास के हिसाब से देखोगे तो सेम वॉल्यूम में देखेंगे तो स्फेयर का सबसे मिनिमम एरिया होता है, तो जो लिक्विड आपका होता है उसकी टेंडेंसी बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन क्या रहती है कि वो कौन सी शेप एक्वायर कर ले, लिक्विड, हाँ सॉरी स्फेयर, ठीक है। सरफेस टेंशन इक्वल्स टू टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एल, एफ बाय एल, लेंथ के हिसाब से अपन इसको देखते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ऑफ द साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस। अब ये जो फ्री सरफेस आपकी है इस पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये जो होगा वो है आपका सरफेस टेंशन, ठीक है। अब इसकी और जैसे बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस आपकी होती हैं, सरफेस एरिया अगर आप बढ़ाओगे तो आपको ज्यादा उसको हीट करना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया यूनिटी अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इज इक्वल्स टू द सरफेस टेंशन, ये बस भूल जाओ इसको, रहने दो। अब ये देखो टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया, ये वाला याद रखना, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया मॉलिक्यूल्स जाएंगे दूर दूर, अगर दूर दूर गए तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हो जाएगा कम, यानी फोर्स कम हुआ तो आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ भी हो जाएगा कम, यानी सरफेस टेंशन हो जाएगी कम, ठीक है। तो एक चीज सर, एक क्वेश्चन है सुमन, यस, क्या क्वेश्चन है सुमन, पूछिए। अपना यहां पे क्या आ रहा है, सरफेस टेंशन हो गया, कैपिलरी ट्यूब, पहली चीज तो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, बहुत ही नैरो बिल्कुल पतली सी, ठीक है, यूनिफॉर्म बोर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। देन कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी क्या है, ये जो प्रोसेस रहता है, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब को एकदम से आप डिप करोगे लिक्विड में तो या तो वो असेंड करेगा लिक्विड उसके ऊपर या फिर उसमें से डिसेंड करेगा इस कैपिलरी ट्यूब में, तो इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं कैपिलैरिटी। वो हो सकता है ऊपर की तरफ जाए लिक्विड या फिर नीचे की तरफ जाए, ठीक है, तो इन दोनों को अपन ऊपर भी जाओ तो भी कैपिलैरिटी, नीचे जाएगा तब भी कैपिलैरिटी। हाइट बाय विच लिक्विड ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस पे, ठीक है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज पे उतना डिपेंड नहीं करती, रेडियस पे, रेडियस ज्यादा होगी तो हाइट उतनी नहीं पहुंच पाती, कम रेडियस पे बहुत ऊपर तक वो जा सकता है, ठीक है। अब ये दोनों पे ही डिपेंड करता है, जो लिक्विड में आप इमर्स कर रहे हैं इसको और जो कैपिलरी ट्यूब जिस सॉलिड से बनी हुई है उसमें भी, ठीक है। लिक्विड क्या करता है, ये जो आसपास की वॉल्स है उनको वेट करता है, एंड वेट्स द वॉल राइजेस इन द ट्यूब, एंड जो वेट नहीं करता यानी उससे उतना टच नहीं हो पाता उसकी ज्यादा आप बोल सकते हैं कि भाई विस्कोसिटी है ये सब वो सब, तो वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है, जो इसको वेट करेगा वो ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि अट्रैक्शन, ठीक है, ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है इससे तो वेट हो रहा
जो लिक्विड मान लेते हैं, और ये जो सॉलिड है कैपिलरी ट्यूब का, तो जब ये एक दूसरे को फोर्स पे अट्रैक्ट कर पा रहे हैं तो ये इसको वेट कर पा रहा है, तो ये अट्रैक्ट करेगा तो ये इसको ऊपर की तरफ खींच लेता है, जब अगर नहीं करेगा तो ये इसको नीचे की तरफ ही रखेगा। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्लॉटिंग पेपर आपका है, तो ब्लॉटिंग पेपर पे बहुत सारे ये आपके, जैसे ही आपने मान लो इंक डाली, तो इंक चारों तरफ फैल जाती है, तो वो किससे फैलती है? कैपिलैरिटी से। जो अपन दिए जलाते हैं, तो दिए में भी आपका जो तेल बार बार चढ़ता है वो किससे चढ़ता है? कैपिलरी से। रूट हेयर से पानी आपका आता है, वो किससे आता है? इसी से ही। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। सोयल जो आपकी लूज करी जाती है, स्प्लिट इनटू पीसेस, ठीक है, तो इससे भी आप प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ज्यादा पानी ऊपर नहीं आ पाएगा। ये तो चलो छोड़ो। टावल जो है, टावल भी आपका जो सोक करता है पानी को, ये भी कैपिलरी। मेल्टेड वैक्स, ठीक है, और ये धीरे धीरे जलता रहता है, ठीक है, इन ए कैंडल राइजेस अप टू द विक, ऊपर की तरफ, ऊपर से ही ड्रॉप करता है ना, तो ये भी कैपिलरी एक्शन है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, जब हम क्लीन करते हैं, क्लींजिंग, ठीक है, तो उसमें जो बबल्स होते हैं आपके, उनका सरफेस टेंशन कम रखा जाता है, ठीक है, तो वो ज्यादा बड़े बड़े रहेंगे, बड़े बड़े रहेंगे तो सरफेस एरिया आपका बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वो ज्यादा एक्ट करेंगे दूसरे क्लॉथ पे, तो ज्यादा क्लींजिंग होती है, तो जो भी आपके डिटर्जेंट और सोप्स होते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं सरफेस टेंशन को, सरफेस टेंशन डिक्रीज, एरिया इंक्रीज, ठीक है, तो ये बड़े हो जाते हैं बबल्स, ठीक है, ये यहीं पे यही बताया गया है। एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, पानी में हम कैरोसिन को डाल देते हैं, कैरोसिन को डालने से क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो जाती है, जैसे ही वहां पे कोई लार्वा या मॉस्क्यूटो बैठता है, वो एकदम से उस पानी की सतह पे नहीं रह पाता, तो वो नीचे चला जाता है, ठीक है, ये अब ये फॉर्मूले तो छोड़ो, 1 मिनट। नेक्स्ट विस्कोसिटी, देखो सुमन क्या पूछ रहे थे, सरफेस टेंशन रेन ड्रॉप्स को सर्कल में चेंज करती है, सो इस हिसाब से क्या अर्थ को भी सर्कल शेप में नहीं होना चाहिए? देखो सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है और अर्थ आपकी सॉलिड है, ठीक है, ये जो फोर्स लगता है वो लिक्विड में लगता है, ऐसा सॉलिड में नहीं लगेगा, सॉलिड में तो आप किसी भी शेप में रख सकते हो ना, क्यूब की शेप में भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है। मिनिस्कस, मिनिस्कस जो ये मान लो कैपिलरी है, जो इसका ये शेप होती है ऊपर वाले उसकी, ये मिनिस्कस बोला जाता है, लिक्विड के जो ऊपर वाले सबसे एरिया जो होता है, ठीक है, वो मिनिस्कस बोला जाता है। अर्थ में लिक्विड भी है बट वो अंदर है, अंदर वाला लिक्विड तो देखो कोर जो है वो गोल गोल ही है आपका, ठीक है, सर्कुलर ही बोला जाता है ना, जहां लिक्विड होगा वो वही है। विस्कोसिटी करना है क्या? अगर फिर से इंफॉर्मेशन ओवरलोड, लाइव क्लास मॉर्निंग 6 और इवनिंग 8 o'clock, ठीक है, सबकी ही जान निकल जाएगी, चलो कोई नहीं, कल मिलते हैं। ये तो अब क्या करें, साइंस अच्छा है, अपन ने पहले शुरू कर दी, धीरे धीरे करके कम से कम अप्रैल एंड तक तो खत्म कर सकते हैं हम, इसमें ये कर सकते हैं, देखो कोई नहीं, इसको अपन और बेटर तरीके से क्या कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं सिर्फ पॉलिटी और जो इकोनॉमी अपना मेनली बचा हुआ है इसका, तो पॉलिटी और इकोनॉमी आप वहां से रीड करना शुरू कर दो साथ साथ में, मैं उसमें से क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है, साइंस अपन आराम से, पॉलिटी और इकोनॉमी में उतना मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी डाली हुई है, आपने भी कर रखा है, तो इनको आप इसमें से पढ़ना शुरू कर दो लूसेंट से साथ साथ पैरेलली, ताकि अपन साइंस को अच्छे से कर सके, ठीक है, साइंस अच्छे से करनी पड़ेगी, तो अगर पूरा मंथ भी साइंस में जाता है तो हम देंगे, ठीक है, इसको पुश नहीं कर सकते, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल आते ही आते हैं,
क्वालिटी और इकोनॉमिक्स आप कर लो, वहां से अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके भी खत्म कर देंगे, वो अगर नहीं भी हो पाएगा तो। ठीक है, चलो ठीक है देन, सी यू इन द इवनिंग, टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।